नमस्कार, सिल्क टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुरुचि गौर। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस स्पॉन्सर्ड बाय भागलपुर सिटी डेवलपर्स। धूमधाम से मनाया गया तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय का 60वां स्थापना दिवस समारोह। अधिकारियों ने गिनाई उपलब्धियां। पारिवारिक कलह से तंग आकर महिला ने बच्चे के साथ ट्रेन के आगे लगाई छलांग, दोनों की हुई मौत। श्रावणी मेला में सुरक्षा व्यवस्था की तैयारियों का जायजा लेने सुल्तानगंज पहुंचे एसएसपी आशीष भारती, थानेदार को दिए कई दिशा निर्देश। आठवीं की छात्रा ने स्कूल के शिक्षक पर छेड़खानी करने का लगाया आरोप, ग्रामीणों ने प्राचार्य को बनाया बंधक। और विद्युत आपूर्ति बाधित किए जाने के विरोध में ग्रामीणों का फूटा आक्रोश, मुख्य सड़क मार्ग को किया घंटों जाम। और अब खबरें विस्तार से। तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय का 60वां स्थापना दिवस समारोह शुक्रवार को धूमधाम से सीनेट हॉल में मनाया गया। समारोह को लेकर पिछले कई दिनों से तैयारी की जा रही थी। स्थापना दिवस पर सबसे पहले शहीद तिलकामांझी की प्रतिमा पर विश्वविद्यालय के अधिकारी और कर्मचारियों ने पुष्प अर्पित कर नमन किया। इसके बाद प्रतिकुलपति प्रोफेसर रामयतन प्रसाद ने विश्वविद्यालय का कुल ध्वज फहराया। सीनेट हॉल में पीजी संगीत विभाग के छात्र छात्राओं ने कुलगीत और स्वागत गान की शानदार प्रस्तुति दी। वहीं कार्यक्रम का शुभारंभ प्रतिकुलपति प्रोफेसर रामयतन प्रसाद, रजिस्ट्रार कर्नल अरुण कुमार सिंह, डीएसडब्ल्यू डॉक्टर योगेंद्र महतो, एफए पदम कांत झा, प्रॉक्टर प्रोफेसर विलक्षण रविदास, एफओ विजयमल प्रसाद सिंह, परीक्षा नियंत्रक प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह और प्रोफेसर सरोज कुमार राय ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इसके बाद विश्वविद्यालय के अधिकारी और आगत अतिथियों का स्वागत बूके और अंग वस्त्र देकर किया गया। साथ ही तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय से अवकाश ग्रहण करने वाले शिक्षकेतर कर्मचारियों को प्रतिकुलपति ने मोमेंटो और उपहार देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर सीसीडीसी प्रोफेसर केएम सिंह, प्रोफेसर इकबाल अहमद, प्रोफेसर दीपो महतो, डॉक्टर भास्कर पाठक, मनीष सुदर्शन समेत कई शिक्षक कर्मचारी और छात्र छात्राएं मौजूद रहे। आज तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय का 60वां स्थापना दिवस समारोह पूर्वक मनाया जा रहा है। साथ ही विश्वविद्यालय के पिछले 59 साल की जो उपलब्धियां हैं उसका मूल्यांकन किया जा रहा है और विश्वविद्यालय में जो बदलाव हुए हैं, जो परिवर्तन हुए हैं उस पर चर्चा हो रही है। साथ ही विश्वविद्यालय को कैसे आगे बढ़ाया जाए इसको लेकर अधिकारी मंथन कर रहे हैं। सैयद इनामुद्दीन, सिल्क टीवी, भागलपुर। तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय शुक्रवार को 60 साल का हो गया। इतने सालों के सफर में संभवतः पहली बार विश्वविद्यालय राजभवन की कसौटी पर सबसे आगे खड़ा है। किसी एक मानक पर नहीं बल्कि कई स्तर पर हाल के दिनों में टीएमबीयू ने बेहतरीन कार्य किए हैं। इन कार्यों को गिनाने के लिए स्थापना दिवस समारोह में सबसे पहले रजिस्ट्रार कर्नल अरुण कुमार सिंह मंच पर आए, लेकिन खाली कुर्सी और लोगों में अनुशासन की कमी देख रजिस्ट्रार ने नाराजगी जाहिर की और कहा कि समय के पाबंद बने। तो अभी एकेडमिक्स जो है, करिकुलम जो है अभी पटरी पे है, अंडर ग्रेजुएट तो पटरी पे है, रिजल्ट का जहां तक सवाल है, हम रिजल्ट परीक्षा ले रहे हैं, रिजल्ट पब्लिश हो रहा है, हमारे जितने रिसर्च के काम भी काफी अभी सुचारू रूप से चलने लगा है। थोड़ी थोड़ी कमी है, अभी हाल के दिनों में आपने सुना होगा, एक सप्ताह पहले, चार पांच दिन पहले जो भी परीक्षा में हुई है, लॉ कॉलेज की बात हो या कोई भी किसी चीज की बात हो, ये सब छोटे मोटे चीज हैं, इस पे अंकुश रखना बहुत जरूरी है। वहीं प्रॉक्टर प्रोफेसर विलक्षण रविदास ने कहा कि 60 वर्ष में विश्वविद्यालय बूढ़ा नहीं जवान हुआ है। साथ ही उन्होंने बाबा तिलकामांझी के सपने को साकार करने और अन्याय से लड़ने की बात कही। मारवाड़ी कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर गुरुदेव पोद्दार ने कहा कि राजभवन के आकलन में टीएमबीयू ए ग्रेड में है, जबकि टीएनबी कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर संजय कुमार चौधरी ने आगे से स्थापना दिवस पर बेहतर कार्य करने वाले को सम्मानित करने की सलाह दी। प्रोफेसर हरपाल कौर ने
विश्वविद्यालय को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने पर जोर दिया, जबकि अर्जुन प्रसाद ने कहा कि पेंशन अदालत के नाम पर विश्वविद्यालय के अधिकारी खानापूर्ति करते हैं। वहीं वित्त परामर्शी पदम कांत झा ने रिसर्च के कार्यों की प्रशंसा करते हुए विश्वविद्यालय की उपलब्धि गिनाई। पूरे बिहार में भागलपुर विश्वविद्यालय प्रथम स्थान पर, एक नई नई रिसर्च का काम भी भागलपुर विश्वविद्यालय में, कुछ नए नए रिसर्च भी हो रहे हैं जो निकट भविष्य में आपको सामने दिखाई देगा। हम हमारे कुलपति बहुत है कि हम लोग इस विश्वविद्यालय को नित नई नई ऊंचाई में ले जाने के लिए बहुत सारे विचार विमर्श हो रहे हैं, और DSW डॉक्टर योगेंद्र महतो ने कहा कि 75% उपस्थिति पूरा नहीं करने वाले छात्रों का नामांकन रद्द कर दिया जाएगा। विश्वविद्यालय का प्राधिकारी होता है, बात सुनने की नहीं होता है, बात तो सुनी जाए, लेकिन जहां भी खड़े हैं जो भी खड़े हैं कर्मचारी शिक्षक और हेड्स और डीन और तमाम लोग यह बात जरूर सोचे कि विश्वविद्यालय का प्राधिकारी का विश्वविद्यालय नहीं है। विश्वविद्यालय तमाम छात्रों का, तमाम कर्मचारियों का, तमाम शिक्षकों का विश्वविद्यालय है। जहां भी है अगर आप ईमानदारी से काम नहीं करते हैं तो पदाधिकारियों से उम्मीद पाते रहते हैं, तो यह उम्मीद और काम का ना होना इस बीच का जो समय है यह विश्वविद्यालय के पतन का कारण है। समारोह में सीनियर सदस्य बलराम सिंह ने कर्मियों का मुद्दा उठाया और उपहार नहीं मिलने पर नाराजगी जाहिर की, जबकि प्रतिकुलपति प्रोफेसर रामयतन प्रसाद ने ऑनलाइन नामांकन को विश्वविद्यालय के सबसे बड़ी उपलब्धि बताई। लेकिन हम उसको भरपाई करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। हमने एक साल के अंदर में जो सत्र था नियमन, उसके लिए भरपूर प्रयास किए। परीक्षा का प्रकाशन भी, हल्का प्रकाशन भी हम अब एक निश्चित डेट पर करते हैं, और हमारा ये जरूर है कमी हम में है, पीजी डिपार्टमेंट पहले से पीछे चल रहा था, उसको हम कोशिश कर रहे हैं कि उसको भी लाइन पर ला दें। हमने सबसे पहले ऑनलाइन एडमिशन लिया, सबसे पहले ये यूजी और पीजी का, और हमने रिजल्ट भी उसी से हम शुरू कर रहे हैं निकालने का, और एक हम लोग ने वर्कशॉप करवाया था सेंसिटाइजेशन का अंडर द एजिस ऑफ गवर्नर मैंने राजभवन, और उसमें भी हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि रही। समारोह में BN कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर अशोक ठाकुर, प्रोफेसर राम प्रवेश सिंह, प्रोफेसर अर्चना ठाकुर, प्रोफेसर निशा झा समेत कई शिक्षक और कर्मचारी मौजूद थे। घरेलू विवाद से तंग आकर महिला अपने दो बच्चों के साथ ट्रेन के आगे कूद गई। इस घटना में महिला समेत एक बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरे बच्चे की जान बच गई। दरअसल अमरपुर थाना क्षेत्र के गोरगम्मा निवासी स्वर्गीय मिथुन यादव की 40 वर्षीय पत्नी खुशबू देवी का गुरुवार को परिजनों के साथ विवाद हो गया, जिसके बाद गुस्से में आकर मृतक महिला खुशबू देवी अपने 10 वर्षीय बेटी शिक्षा और 7 वर्षीय बेटा डंको के साथ अकबरनगर स्टेशन पहुंच गई और गेट पर बच्चों के साथ बैठ गई। इसी दौरान भागलपुर से चलकर आनंद विहार जाने वाली गरीब रथ एक्सप्रेस जैसे ही पहुंची, उसी दौरान महिला ने बच्चों के साथ ट्रेन के आगे छलांग लगा दी। इस घटना में मृतक की बेटी बाल बाल बच गई, जबकि दोनों की मौत मौके पर ही हो गई। घटना के बाद स्थानीय लोगों की भीड़ मौके पर उमड़ गई। वहीं घटना की सूचना मिलते ही रेल पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला को लेकर भागलपुर SSP आशीष भारती ने शुक्रवार को सुल्तानगंज थाना का निरीक्षण किया। इस दौरान SSP ने श्रावणी मेला में आने वाले कांवरियों की सुरक्षा व्यवस्था के बारे में जानकारी ली और दल बल के साथ सुल्तानगंज अजगैबी नाथ गंगा घाट व जहाज घाट का जायजा लिया। इस दौरान गंगा घाट में बालू बोरा की जाँच की गई। SSP आशीष भारती ने कांवरियों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पिछले साल की भांति इस वर्ष बेहतर सुरक्षा व्यवस्था की बात कही। इस दौरान एक बैठक भी
आयोजित की गई, जिसमें सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर अधिकारियों द्वारा मेला क्षेत्र की निगरानी रखे जाने की बात कही गई। वहीं महिलाओं की सुरक्षा व्यवस्था पर पर्याप्त मात्रा में महिला पुलिस बल की नियुक्ति करने की बात कही। इस मौके पर DSP निशार अहमद शाह, सुल्तानगंज थाना अध्यक्ष रामप्रीत कुमार, इंस्पेक्टर शाहकुंड थाना अध्यक्ष, बाद थाना अध्यक्ष एवं तमाम पुलिस बल मौजूद थे। इस बार तारापुर में एक बम बरामद हुआ है और साथ ही साथ आप जो बता रहे हैं उस तरीके की सूचनाएं हम लोग को प्राप्त हुई हैं, तो उसको लेकर के हम लोग विशेष सतर्कता बरत रहे हैं। सादे लिवास में हम लोग जो अन्य जो पुलिस पदाधिकारी हैं उसके अतिरिक्त हम लोग सादे लिवास में और कवरिया के लिवास में भी हम लोग अपना पुलिस पदाधिकारी बल रखेंगे, और जो भी ऐसे व्यक्ति हैं जिन पे कोई खतरा हो सकता है उनको हम लोग उनके खतरे के का आकलन करते हुए उनको पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराई जाएगी। और कल परसों से यहाँ पे जो बम या इस तरह की कोई भी चीज़ है उसके जांच के लिए यहाँ पे हम लोग टीम लगा रहे हैं। भागलपुर के सबौर स्थित मध्य विद्यालय सरधो में पढ़ने वाली 8वीं कक्षा की छात्रा ने शिक्षक पर छेड़खानी का आरोप लगाया है। छात्रा के परिजनों और ग्रामीणों ने शिक्षक संजय कुमार पर कार्रवाई करने की मांग को लेकर गुरुवार को स्कूल में जमकर हंगामा किया। इस दौरान ग्रामीणों ने प्राचार्य को बंधक बनाए रखा और आरोपी शिक्षक को सामने लाने की मांग करने लगे। वहीं मौका देख शिक्षक संजय कुमार स्कूल से फरार हो गया। हंगामा बढ़ता देख मौके पर पहुंची सबौर पुलिस ने आरोपी शिक्षक पर कार्रवाई करने की बात कही, जिसके बाद मामला शांत हुआ। पीड़ित छात्रा के अनुसार परीक्षा के दौरान शिक्षक संजय कुमार ने उसके साथ अश्लील हरकत की थी। छात्रा की दादी के बयान पर आरोपी शिक्षक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। वहीं पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है, जबकि प्राचार्य ने घटना की जानकारी तमाम वरीय अधिकारियों को दिए जाने की बात कही। परीक्षा हो रहा था, क्वेश्चन पूछे इन्होंने बताया, मेरे बेंच पे बैठ गया, मेरे बेंच पे बैठा, हम पूछे इन्होंने सर क्या होगा, कुछ नहीं बोला, मेरे बेंच पे बैठ गया, बैठ के पकड़ लिया। जैसे क्या है? संजय कुमार टीचर, चंदा कुमारी वर्ग 8 रोल नंबर 44 17-18-19 की छात्रा, वार्षिक पूरक परीक्षा का चल रहा था। परीक्षा के दौरान उन्होंने दो छात्र छात्रा एक जगह बैठे हुए थे, उसी को उन्होंने अश्लील हरकतें की। ये घटना 9/7/2019 की है। मुझे बच्चे ने नहीं बताया, बच्चे के अभिभावक ने 10/7 को बताया। इस सारी जानकारी मैं विद्यालय शिक्षा समिति के अध्यक्ष श्री प्रसादी मंडल को कल दोपहर 1 बजे टिफिन में बता दिया। बांका के अमरपुर में लगातार 2 दिनों से बिजली आपूर्ति बाधित रहने से ग्रामीणों का गुस्सा फूट गया। सैकड़ों की संख्या में ग्रामीणों ने अमरपुर बांका मुख्य मार्ग को घंटों जाम कर दिया। इस दौरान यातायात ठप हो गया। जाम के कारण सड़क के दोनों ओर वाहनों की कतार लग गई। वहीं जाम की सूचना मिलते ही अमरपुर CO सुनील कुमार शाह और ASI सत्येंद्र सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और आक्रोशित लोगों को समझा बुझाकर शांत कराने का प्रयास किया, लेकिन आक्रोशित ग्रामीण विद्युत विभाग के अभियंता को मौके पर बुलाने की मांग पर अड़े रहे। ग्रामीण प्रकाश सिंह संजीव कुमार ने कहा कि मंगलवार से मगदुम्मा पंचायत के सभी गांव में बिजली आपूर्ति बाधित है। इसको लेकर कई बार सब स्टेशन और सहायक अभियंता से शिकायत की गई, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसके बाद ग्रामीणों को सड़क पर उतरना पड़ा। वहीं CO ने जल्द बिजली आपूर्ति बहाल करने की बात कही, तब जाकर मामला शांत हुआ। भागलपुर नगर निगम की ओर से मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना एवं 14वां वित्त आयोग द्वारा होने वाले विकास कार्यों को लेकर नगर निगम महापौर कक्ष में कई पार्षदों ने असंतोष व्यक्त किया। महापौर सीमा शाह और उपमहापौर राजेश वर्मा की मौजूदगी में पार्षदों ने योजना शाखा प्रभारी पर जमकर भड़ास निकाला और पक्षपात करने का आरोप लगाया। इस दौरान योजना शाखा प्रभारी से महापौर सीमा शाह ने योजना से संबंधित जानकारी ली और सभी वार्डों में प्राथमिकता के आधार पर कार्य करवाने का निर्देश जारी किया। गौरतलब हो कि नगर निगम की ओर से सड़क एवं नाला निर्माण को लेकर 30 करोड़ का टेंडर निकाला गया है, लेकिन कई वार्ड पार्षदों ने आवश्यकता के अनुरूप लाभ नहीं मिलने को लेकर आक्रोश व्यक्त किया था। हालांकि मेयर ने छूटे हुए वार्डों के नाम शामिल करने का आश्वासन सभी पार्षदों को दिया।
बांका के अमरपुर नव प्राथमिक विद्यालय सितलपुर में मध्यान्ह भोजन खाने से कई बच्चे बीमार पड़ गए हैं, जिसको लेकर काफी संख्या में परिजनों एवं छात्रों ने स्कूल में जमकर हंगामा किया। अभिभावकों का आरोप है कि बच्चों को मेन्यू के अनुसार भोजन नहीं दिया जाता है, साथ ही भोजन में घटिया चावल का इस्तेमाल किया जाता है, जिसको खाकर बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। वहीं विद्यालय की रसोईया मीना देवी ने कहा कि चावल को धोने के बाद भी उससे बदबू निकलता है, जबकि विद्यालय में बढ़िया चावल रहने के बावजूद प्रधानाध्यापिका के द्वारा घटिया चावल बनाने को कहा जाता है। इस संबंध में प्रधानाध्यापिका ने कहा कि भोजन मेन्यू के अनुसार बनता है, जबकि इस बार बढ़िया चावल की आपूर्ति नहीं की गई है, जिसके कारण मजबूरी में चावल पकाया जाता है। उन्होंने परिजनों के आरोप को निराधार बताया। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद, आप देखते रहिए सिल्क टीवी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी, आइए देखते हैं अगली खबर। भागलपुर नगर निगम परिसर में निगम के योजना शाखा प्रभारी के विरुद्ध पार्षदों ने मोर्चा खोल दिया है। शुक्रवार को पार्षद संजय सिन्हा के नेतृत्व में योजना शाखा प्रभारी को अविलंब हटाने की मांग को लेकर कई पार्षदों ने निगम परिसर में एक दिवसीय धरना दिया। धरना के दौरान पार्षदों ने नगर निगम प्रशासन से योजना शाखा प्रभारी आदित्य जायसवाल को हटाने की मांग करते हुए कहा कि वार्डों में योजनाओं का सही तरीके से कार्यान्वयन नहीं हो रहा है और इसके लिए सीधे तौर पर योजना शाखा प्रभारी जिम्मेवार हैं। पार्षदों ने कहा कि क्षेत्र में जनता पार्षदों से सवाल करती है और निगम द्वारा प्रस्तावित योजनाओं का लाभ नहीं मिलने के कारण जनता अब आक्रोशित होने लगी है, जिसके कारण पार्षदों के प्रति जनता का भरोसा टूटता जा रहा है। साथ ही कहा कि यदि आदित्य जायसवाल को योजना शाखा प्रभारी के पद से नहीं हटाया गया तो आगे आंदोलन तेज किया जाएगा। इस मौके पर कई पार्षद एवं विभिन्न वार्ड की महिलाएं मौजूद थी। एक तरफ तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय अपना 60वां स्थापना दिवस मना रहा था तो दूसरी तरफ छात्र संघ के अध्यक्ष प्रतिनिधि और भागलपुर TNB लॉ कॉलेज के छात्र विश्वविद्यालय के अधिकारी का पुतला दहन कर रहे थे। शुक्रवार को विश्वविद्यालय में एक ही साथ दो पुतला दहन किया गया। पहला पुतला छात्र संघ के अध्यक्ष शांतनु राउत ने DSW का जलाया, जबकि दूसरा पुतला लॉ कॉलेज के छात्रों ने लॉ परीक्षा में केंद्राधीक्षक बनाए गए प्रोफेसर राम प्रवेश सिंह का। वहीं छात्र संघ अध्यक्ष ने विश्वविद्यालय प्रशासन पर अपमानित करने का आरोप लगाया, जबकि लाओ के छात्र रवि प्रकाश ने परीक्षा के दौरान रैफ जवान की प्रतिनियुक्ति किए जाने की खबर पर आपत्ति जाहिर की। आज जो विश्वविद्यालय की 60वीं वर्षगांठ मनाई जा रही थी, इसमें छात्र संघ को अपमानित किया गया, ना ही सम्मानित किया गया, ना ही संबोधन किया गया, किसी भी प्रकार का हम लोगों को अपमानित नहीं किया गया और अपमानित महसूस किए हैं हम लोग आज। और मेरा अपमान का मतलब है, छात्र संघ के अपमान का मतलब है कि पूरे विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं के साथ छात्र छात्राओं को इन्होंने अपमानित किया है। हमारा मुद्दा है कि हमारा 16 तारीख से एग्ज़ाम है TNB लॉ कॉलेज का और बहुत दिवसीय प्रसारण सेंटर पड़ा है। इनके सेंटर सुप्रिंटेंडेंट राम प्रवेश सिंह हैं। पूर्व में उन्होंने प्रेस में बयान दिया था कि अगर लॉ कॉलेज का एग्ज़ाम करवाना चाहते हैं तो रिपीडक्शन फोर्स की ज़रूरत है। तो हमें ये बताने की वो कृपा करें कि लॉ कॉलेज के छात्र के आतंकवादी हैं, जो दंगा वाली पुलिस को वहाँ बुलाया जाएगा। ये लॉ कॉलेज के छवि की बात है, लॉ कॉलेज के का एग्ज़ाम पूर्व में भी हुआ है
शांतिपूर्ण एग्जाम हुआ है। हम लोग बहुत दिशीय प्रसारण बीएन कॉलेज हर जगह एग्जाम दिए हैं। भागलपुर व्यवहार न्यायालय परिसर में शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। राष्ट्रीय लोक अदालत में जिले के विभिन्न प्रखंडों एवं शहरी क्षेत्र के लोग शामिल होकर अपने वादों का निपटारा करा सकेंगे। इस दौरान लंबे समय से चल रहे वादों के निष्पादन के लिए दोनों पक्षों को सामने बैठाकर केस की सुलह कराने का प्रयास न्यायिक पदाधिकारियों द्वारा किया जाता है। भागलपुर व्यवहार न्यायालय में राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए 17 बेंच का गठन किया गया है, जबकि नगरछिया में 5 और कहलगांव कोर्ट में 2 बेंच का गठन किया गया है। जिले भर में करीब 20,000 केस की सुनवाई करने का लक्ष्य रखा गया है। इस दौरान क्रिमिनल केस के अलावा बिजली विभाग, बीमा, बैंक, BSNL, घरेलू विवाद समेत कई विभागों से जुड़े मामलों की सुनवाई न्यायिक पदाधिकारियों के द्वारा की जाएगी। कार्यक्रम का उद्घाटन जिला एवं सत्र न्यायाधीश अरविंद कुमार पांडे करेंगे। कटोरिया में खैरा लोक मंच बिहार के बैनर तले शुक्रवार को खैरा पुजार जाति के लगभग 400 महिला पुरुषों ने पारंपरिक हथियारों से लैस होकर सरकारी विकास एवं बुनियादी सुविधाओं की मांग को लेकर प्रखंड मुख्यालय में प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने लगभग 2 घंटे तक प्रखंड कार्यालय का घेराव कर जमकर नारेबाजी की। खैरा लोक मंच बिहार के जिला सचिव सन्नू खैरा ने कहा कि बांका जिला को सूखाग्रस्त घोषित करने, सरकारी विकास की बुनियादी सुविधाओं जैसे पेयजल, रोजगार, जंगल में रह रहे वनवासियों को पर्चा, आधार कार्ड, राशन कार्ड, वृद्धा पेंशन, प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ देकर विकास की मुख्य धारा से जोड़ा जाए। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि सुविधाओं के अभाव में काफी संख्या में नौजवान बेरोजगार होकर पलायन करने को मजबूर हैं और जल्द ही इन मांगों को लेकर जिला मुख्यालय में भी प्रदर्शन किया जाएगा। इस दौरान 6 सदस्य प्रतिनिधि ने कटोरिया BDO को सरकार के नाम एक ज्ञापन भी सौंपा। इनके द्वारा जो शिकायत दी गई है वो मूल रूप से जमीन संबंधित है। इनका कहना है कि ये पूर्व में कहीं बस रहे थे, आज वर्तमान में कहीं और जाकर बस रहे हैं, वहाँ जल सुविधाएँ दी जाए। तो सर्वप्रथम इनकी मांग है कि हमें वहाँ रह रहे हैं इस संबंध में जमीन का कोई कागजात दिया। ये मामला अंचलाधिकारी से संबंधित है, हमने इनसे ज्ञापन ले लिया है, ये अंचलाधिकारी को ट्रांसफर किया। उसके बाद कुछ शिकायतें थी जो राशन कार्ड से संबंधित या आधार कार्ड से संबंधित थी। पूछे जाने पर बताया गया कि इनके पास वोटर कार्ड है, जो वोटर कार्ड है तो उससे संबंधित जितने भी नियमानुसार लाभ दिए जा सकते हैं हम लोग देने के प्रयास करेंगे। भागलपुर नगर निगम के सफाई कर्मियों और दैनिक मजदूरों ने शुक्रवार को महापौर सीमा शाह से मिलकर अपनी समस्या रखी और मांग नहीं पूरी होने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की बात कही, जिसके बाद महापौर ने सफाई कर्मियों को आश्वासन देते हुए कहा कि नगर आयुक्त का तबादला हो गया है और नए नगर आयुक्त के प्रभार लेते ही सफाई कर्मियों के बकाए वेतन के साथ सभी मांगों पर सकारात्मक विचार कर उचित कदम उठाया जाएगा। इस मौके पर सफाई कर्मियों के अलावा कई पार्षद भी मौजूद थे। स्कैप चैरिटी ट्रस्ट नाथनगर के द्वारा साकुंड प्रखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रीन सोल के सहयोग से शिक्षा का प्रसार करने, वंचित बच्चों को शिक्षा से जोड़ने तथा कई बीमारियों से बचने के लिए मध्य विद्यालय बंधाव में जागरूकता अभियान के साथ करीब 300 बच्चों को स्कूल के प्रधानाध्यापक प्रवीण कुमार एवं स्कूल के अन्य शिक्षकों, मुखिया, उपमुखिया एवं ग्रामीणों की उपस्थिति में निःशुल्क चप्पल वितरण किया गया। वहीं स्कैप चैरिटी परिवार की तरफ से फाउंडर टिंकू यादव ने कहा कि आज से ग्रामीण क्षेत्रों में इस तरह का आयोजन हमेशा किया जाएगा, जिससे कि बिना चप्पल के स्कूल जाने वाले बच्चे चप्पल पहनकर स्कूल जा सकेंगे। इस मौके पर माना शुक्ला, विद्यासागर, सुधांशु शेखर, परमहंस बाबा, क्षमा परवीन सहित काफी संख्या में विद्यालय के बच्चे और ग्रामीण मौजूद थे। आज बंधाव के गांव में स्केप चैरिटी सदस्यों के द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में जो बच्चे पढ़ते हैं इस स्कूल में, इसको हम लोगों ने सभी को चप्पल जो स्लीपर है उसको हम लोग आज बच्चों को दिए। इसके पीछे कारण ये है कि ग्रामीण स्कूल में जो बच्चे होते हैं वो नंगे पांव कभी इधर कभी उधर दौड़ते रहते हैं, स्कूल में भी दौड़ते रहते हैं, जिससे क्या होता है कि उसको कटीला तार या शीशा या कांटी ये सब गड़ जाता है। मौके पर उसके गार्जियन क्या करते हैं, उनको मेडिसिन नहीं दे पाते हैं आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में। हम लोग जो चप्पल दिए इससे क्या बच्चे पहनेंगे और सुरक्षित भी रहेंगे। एक और अंत में चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस स्पॉन्सर्ड बाय भागलपुर सिटी डेवलपर्स। धूमधाम से मनाया गया तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय का 60वां स्थापना दिवस समारोह, अधिकारियों ने गिनाई उपलब्धियां। पारिवारिक कलह से तंग आकर महिला ने बच्चे के साथ ट्रेन के आगे लगाई छलांग, दोनों की हुई मौत।
श्रावणी मेला में सुरक्षा व्यवस्था की तैयारियों का जायजा लेने सुल्तानगंज पहुंचे एसएसपी आशीष भारती, थानेदार को दिए कई दिशा निर्देश। आठवीं की छात्रा ने स्कूल के शिक्षक पर छेड़खानी करने का लगाया आरोप, ग्रामीणों ने प्राचार्य को बनाया बंधक। और विद्युत आपूर्ति बाधित किए जाने के विरोध में ग्रामीणों का फूटा आक्रोश, मुख्य सड़क मार्ग को किया घंटों जाम। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।